शिवाजी महाराज चढ़ाई पर जा रहे थे। रास्ते में किसी महिला के घर पर रुके और उस महिला ने उनके लिए भोजन परोसा। शिवाजी महाराज अपने सैन्य बल के सदस्यों के साथ वहाँ बैठकर वो भोजन पाने लगे। उस वृद्ध महिला ने उनके लिए खिचड़ी बनाई थी। अब गरम गरम खिचड़ी जब उनके थाली पर परोसी गई तो शिवाजी महाराज सीधा उस थाली के बीचों बीच अपनी उंगलियों को डालकर खिचड़ी खाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन वो खिचड़ी इतना गर्म था कि उनका हाथ जलने लगा। और उनके उस प्रकार कष्ट पाते हुए देखकर उस महिला ने कहा, अरे आप खिचड़ी इस प्रकार खा रहे हो जैसे हमारे महाराज शिवाजी युद्ध करते समय सबसे पहले दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं और फिर उसके आसपास के स्थानों पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आक्रमण करने की शैली उचित नहीं। आक्रमण उसी प्रकार करना चाहिए जैसे खिचड़ी खाते हैं, अर्थात जब खिचड़ी की थाली में खिचड़ी परोसा जाए तो बाहर धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है, और इसलिए प्लेट के बाहर की तरफ से खिचड़ी खाते हुए अंदर की तरफ चलना चाहिए। उसी प्रकार चढ़ाई करते समय पहले साम्राज्य के बाहरी हिस्सों पर आक्रमण करने के पश्चात फिर केंद्र में दुर्ग के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। शिवाजी महाराज खिचड़ी तो खा गए, लेकिन न केवल उनका पेट भरा, साथ साथ उनका ज्ञान भी बढ़ गया। और तत्पश्चात शिवाजी महाराज ने अपने आक्रमण की शैली में कुछ परिवर्तन किया उस वृद्ध महिला के सुझाव के अनुसार, और तत्पश्चात शिवाजी महाराज के जीवन में प्रचुर मात्रा में सफलता प्राप्त होने लगी। अनुभ्यश्च मधुभ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नर सर्वतः सारम आदध्यात् पुष्पेभ्य इव शतपद। कहा गया है, जिस प्रकार तितली पुष्प से पुष्प पे घूमते हुए चलती है और उस पुष्पों के सार को स्वीकार करती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सार गर्भित कोई भी तत्वज्ञान उसे प्राप्त हो उसे अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को सफल बनाए।